खान की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय पर समग्र शिक्षक संघ खरगोन मध्य प्रदेश इकाई के बैनर तले समग्र शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि प्रदेश के शिक्षा और जनजातीय विभाग के अंतर्गत शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान अध्यापक के सेवा कालों को लगभग 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई, जिनके कारण उन्हें पदोन्नत शिक्षकों के अधीन कार्य करना पड़ता है। इन्हीं मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। तो ये पिछली सरकार से हमारा संघर्ष चल रहा है और चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कांग्रेस के वचन पत्र में सहायक शिक्षकों को पदनाम देने का वचन दिया था और 6 माह बीतने के बाद भी इस कार्य में कोई प्रगति नहीं होने के कारण हम समस्त मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका वचन याद दिलाने के लिए यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से आए हुए हैं। क्या लगता है कि आपकी जो समस्या है इसमें किस तरीके की गंभीरता है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरा नहीं कर रही है? इस प्रकरण में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शासन के ऊपर 1 रुपये का भी कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। 30 से 40 वर्ष तक हम सहायक शिक्षक एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, योग्यताधारी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, लेकिन हम लोगों को लेक्चरर का वेतन देने के बाद भी सहायक शिक्षकों का काम लिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी योग्यता के अनुसार हमको भी आगे बढ़ने का अवसर शासन प्रदान करे, ताकि हमारे अंदर जो योग्यता है उस योग्यता का लाभ हम हमारे स्कूली बच्चों को दे सकें। राजेंद्र पंड्या, खरगोन जिला समग्र शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मातृशक्ति।